नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे झारखंड वुमेन्स T20 के आज के दिन के पहले और इस टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले की, क्योंकि दोस्तों ये फाइनल मैच है जो यहाँ पे खेला जाने वाला है टूर्नामेंट की दो टीम्स के बीच में, जो कि हैं धनबाद डेफोडिल्स वर्सेस बोकारो ब्लॉसम्स के बीच में। तो ये दोस्तों टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार गया और मैं उम्मीद करूंगा ये आखिरी मैच भी हम अच्छा खासा इस अमाउंट विन करें। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मैच की कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा और आपको बताऊंगा कि स्मॉल लीग में किन प्लेयर्स को ट्राई करें, किन प्लेयर्स को ग्रैंड लीग में, इसके अलावा किन प्लेयर्स को कैप्टन बनाएं और किन प्लेयर्स को वाइस कैप्टन। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय 8,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाकर आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो बात की जाए अगर यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके सामने यहाँ पर आपको तीन विकेट कीपर नजर आएंगे, एक तो जया कुमारी, रिया राज और यहाँ पे सुलेखा कुमारी। तो देखिए सुलेखा कुमारी का सिलेक्शन आप देखिए 88% हो गया है, लेकिन जब लास्ट के दो मैचेस में इनका सिलेक्शन काफ़ी कम था तब किसी पे इनका ध्यान नहीं था, लेकिन आपके भाई ने इनको भी करके रखा था और दोनों मैचेस में इन्होंने अच्छे खास समय पॉइंट दिए और हम दोस्तों यहाँ पे वन साइडेड विन भी किए नहीं के कारण। तो आज भी दोस्तों हम इनको ही पिक करेंगे। रीज़न क्या है इनको पिक करने का दोस्तों, कि ये जो हैं वो आपको ओपन करते हुए नज़र आती हैं, थोड़ा सा मतलब डिफेंडिंग खेलती हैं, यानी कि शॉट्स जल्दी बड़े लगाती नहीं है, स्ट्राइक भी रोटेट ज़्यादा करती नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि फाइनल में स्कोर कर सकती हैं, प्लस आपको ये विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगी। बाकी इनके अगेंस्ट में जो आपके ऑप्शन बचेंगे विकेट कीपिंग के, वो इतने बेटर नहीं है। जय कुमारी तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करती हैं, प्लस विकेट कीपिंग भी नहीं करती हैं। रिया राज को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल लीग्स में, जैसे कि 4 मेंबर्स की 10 मेंबर्स की, और इनका सिलेक्शन कम है और मैं आज आपको बता दूँ कि इनको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये भी लास्ट मैच में देखिए बैटिंग से भले इन्होंने किया हो, लेकिन कीपिंग से ये करके आई है 2 रन आउट स्टंपिंग और 1 कैच। तो जो भी भाई 4 मेंबर खेल रहा हो, 10 मेंबर खेल रहा हो, तो वहां भी आपको रिया राज को भी करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे सुलेखा कुमारी को भी करके रखा था जब इनका सिलेक्शन कम था। आज आप रिया राज को रखिएगा, आज भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी कारण से विकेट कीपिंग सेक्शन से सुलेखा कुमारी को पिक करके चलेंगे। बात की जाए अगर यहाँ पे दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर हम खुशबू कुमारी को पिक करेंगे। सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इन्होंने अपनी टीम के लिए की थी, 2 विकेट आई थिंक इन्होंने निकाले थे, इसके अलावा बैटिंग भी ठीक ठाक कर ही लेती हैं, तो यहाँ पर इनको पिक करेंगे। दूसरी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दोस्तों है रितु कुमारी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको यहाँ से बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगी, तो हम यहाँ पे इनको भी पिक कर लेते हैं। एस जा देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है, तो हम दोस्तों यहाँ पे इनको पिक नहीं करेंगे, ना ही यहाँ से दोस्तों हम इन मेहता को पिक करेंगे। पुष्पा महतो अगर आज के मैच में खेल दी तो 4 मेंबर की लीग में एक अच्छी प्लेयर हो सकती हैं, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी करती हैं, वो लक पे होता है कि आज मैच में कितना परफॉर्म कर पाती हैं। बाकी ममता कनौजिया सबसे सेफ पिक हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बैट्समैन है और ये भी नहीं कि ज़्यादा डिफेंड करती हूँ, काफ़ी अच्छा अटैक भी कर लेती हैं, बड़े शॉट्स लगा लेती हैं, प्लस ये स्ट्राइक रोटेट करती रहती हैं, जिस कारण से मैं इनको पिक करूँगा। बाकी के कुमारी इतने इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वुमेन्स में बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं, वो बॉल को खेलते रहते हैं और डिफेंड करते रहते हैं, तो उसी में से कोमल कुमारी भी हैं, काफ़ी गेंदें खेल लेती हैं फिर भी रन नहीं बनाती हैं, तो मैं इनको पिक नहीं करूँगा, ना ही यहाँ से दोस्तों जी सिंह को पिक करेंगे और ना ही यहाँ से दोस्तों पी कुमारी को पिक करेंगे। तो मात्र आपके लिए जो 3 इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो यहाँ से के कुमारी हैं, आर कुमारी हैं और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एम कनौजिया रहने वाली हैं। अब बात कर ली जाए दोस्तों अगर यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, बात की जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको 4 से 5 ऑलराउंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रेडिट का दिक्कत भी शायद हमें देखने को मिले, बाकी यहाँ से दो के मोनिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा डी कुमारी इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग अपनी टीम के लिए की है, प्लस बॉलिंग से विकेट भी निकाला था। मोनिका ने भी लास्ट मैच में बैटिंग काफ़ी अच्छी की थी, बॉलिंग से भी इन्होंने विकेट निकाला था, तो ये दोनों तो आज के मैच में बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। दूसरी इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों आरती कुमारी और यहाँ पर दोस्तों अगर हम अनुष्का परमार को पिक कर लेते हैं तो शायद हमें आगे क्रेडिट का दिक्कत देखना पड़े। तो अभी के लिए चलिए यहाँ से 4 मैन ऑलराउंडर्स को पिक कर लेते हैं, जो कि रहेंगे हमारी टीम में दोस्तों मोनिका, डी कुमारी, ए कुमारी और यहाँ पे दोस्तों अनुष्का परमार। बाकी एस पटेल यहाँ से इंपॉर्टेंट रही है, ना ही यहाँ से पी चौहान इंपॉर्टेंट है, ना ही यहाँ से दोस्तों पी कुमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो शांति कुमारी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है, रीज़न क्या है, ये आपको काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके देंगी और अपनी टीम की मेन गेंदबाजी आपको पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग कराती हुई नजर आ जाएंगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट पिक दोस्तों हमारे लिए यहाँ से रीनी बर्मन की रहने वाली, ये भी काफ़ी अच्छी गेंदबाज है। अब हमारे पास देखिए दोस्तों यहाँ पे होने वाली है क्रेडिट की प्रॉब्लम, तो अगर आप यहाँ पे क्रेडिट को मेंटेन करना चाहते हो तो आप आइए ऑलराउंडर सेक्शन से अनुष्का परमार को ड्रॉप करिए, इनकी जगह पर एदास को आप पिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप एदास को पिक करेंगे तब भी आपके पास यहाँ की यहाँ पे क्रेडिट की प्रॉब्लम आने वाली है और आप यहाँ पे दोस्तों पी तिवारी या फिर एस मंसूरी में किसी को पिक नहीं कर पाएंगे। या तो आप यहाँ पे एक काम करिए कि ये कुमारी की जगह पर अनुष्का परमार को पिक कर लीजिए, क्योंकि आरती कुमारी देखिए गेंदबाज काफ़ी अच्छी है, अगर आप इनको ड्रॉप करेंगे तो ये शायद यहाँ पर विकेट्स ले जाएँ। लेकिन और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऊपर के सारे ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है, बैटिंग सेक्शन में भी हम एट क्रेडिट कहीं से मैनेज कर नहीं सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन से भी नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर ना चाहते हुए भी एक कुमारी की जगह पर अनुष्का परमार को पिक करके चलना पड़ेगा। तो चलिए अनुष्का परमार पे रिस्क ले लेते हैं और यहां पर आके ए दास और यहां पे दोस्तों एस मंसूरी को भी कर लेते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं पी तिवारी की, तो लास्ट मैच में बॉलिंग ठीक ठाक करके आई है लेकिन विकेट नहीं निकाल पाई है। तो देखा जाए दोस्तों हमारी जो टीम है वो यहां पे रेडी हो चुकी है। बाकी अगर आप लेना चाहते हो किसी धनबाद के ही बॉलर को, तो आप देख सकते हो कि धनबाद का कोई भी ऐसा बॉलर यहाँ पे नहीं है जिसे आप पिक कर सको। नेहा शॉ की तो एक पिक आपके सामने है, लेकिन देखिए दो मैचेस से खेली नहीं है, बाकी लास्ट के जो भी दो मैचेस खेले थे वहाँ पर इन्होंने बॉलिंग की नहीं थी, और की थी तो यहाँ पे पूरे चार ओवर नहीं किए थे। तो अभी के लिए आपके लिए अनुष्का परमार एक बेटर पिक रहेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी गेंदबाज है, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं निकालें, टूर्नामेंट के हर एक मैच में आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ जाएंगी और ज़्यादा मैचेस भी इन्होंने खेले हैं। तो देखा जाए दोस्तों हमारी जो टीम है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। मैंने अपनी टीम में दोस्तों धनबाद वुमेंस के 5 प्लेयर्स को पिक करके रखा है और टीम बोकारो वुमेंस के दोस्तों 6 प्लेयर्स को पिक करके रखा है। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ से 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। बात की जाए अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, किस प्लेयर को कैप्टन एंड किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के दो ही ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए बोकारो की टीम मुझे स्ट्रॉन्ग लगी है, इसी कारण से मैं यहाँ पर कैप्टन डी कुमारी को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन यहाँ पे मोनिका को बनाऊंगा। बाकी डिफरेंशियल पिक मैं बता दूँ आपके लिए, ये दो बॉलर रीनी बर्मन शांति हमारी ग्रां लीग में आप इनको भी कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग के लिए तो यहाँ पे यही दो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहने वाले हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी डिफरेंट करना चाहते हो, कुछ और भी अलग करना चाहते हो, कुछ और रिस्क लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप चाहो तो रीतू कुमारी पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी गेंदबाज है। तो ग्रां लीग में आप चाहो तो इन पर रिस्क लेके यहाँ पे पुष्पा महातो को ले सकते हो इनकी जगह पर, देन आपके पास यहाँ पे एक रेट बच जाएगा जहाँ पर आप आके आरती कुमारी को पिक कर लोगे। तो आपको देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा किसी ना किसी प्लेयर पे, तो आप चाहो तो इस कॉम्बिनेशन को भी ट्राई कर सकते हो। इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि धनबाद की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, बोकारो की टीम कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मैंने उनके लिए बताया जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं। बाकी जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ जाना चाहते हैं, वो मेरी इसी टीम का यूज़ करेंगे। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी मैंने आपको बता दिए हैं, और आप चाहो तो ग्राली में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकते हो। तो मैं अपनी इस टीम को सेव कर देता हूँ ताकि आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए। सेम टीम के साथ दोस्तों स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, सेम टीम के साथ दोस्तों ग्रां लीग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लें, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करते हो वहां भी जाकर दोस्तों आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी इस टीम से मान लीजिए कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। 8,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहो तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, घंटा प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हो ऑलवेज विन करें हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारी टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।